क्रिएटिव एमिनी आर्ट, आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक इंटरनेशनल फेस शीट मास्क का रिव्यू। सो कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। ये आपको डीमार्ट में मिल जाता है, बट ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। कुछ ऑफ़र रहता है या कुछ सीज़न रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको अवेलेबल होता है। तो मैं आज इसके बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। अगर मुझे इसका लिंक किसी भी वेबसाइट पर मिलता है तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, अदरवाइज़ आपको ये डीमार्ट से ही लेना होगा। आई थिंक ये नायका पे आपको मिल सकता है, चांसेस हैं, बट अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मार्बल कॉस्मेटिक आर्या एक ब्रांड है, यहाँ पे इसका नाम दे रखा है वो है, ये है चारकोल का प्रीमियम फेशियल शीट मास्क। ऑयल कंट्रोल करता है, डीप क्लीन करता है, प्योर कंट्रोल करता है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। स्पेशली डिज़ाइन फॉर इंडियन स्किन फॉर बोथ मैन एंड वुमेंस, तो ये मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन यूज़ कर सकती है या मैन यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन जो किया हुआ है वो इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग किया हुआ है, फॉर डायरेक्ट डट रिमूविंग, आपकी जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, फेयरनेस के लिए सपोर्ट करता है। 25 ml प्रोडक्ट आपको मिलता है इसमें, प्लस मेड इन कोरिया प्रोडक्ट है यहाँ पे दे रखा है। इसमें आपको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, टर्मरिक है, एलोवेरा है, काफ़ी सारे हैं। सो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 149 rupees इस पर जो प्राइस दे रखा है, 149 rupees है। 149 rupees में मैंने दो लिए थे, 149 rupees में मैंने ये वाले दो लिए थे, काया के भी मैंने आई थिंक 147 ऐसे ही कुछ प्राइसिंग के दो लिए थे। इस पे आपको पूरा डिटेल्स दे रखी है कि आपको कैसे दे रखना है, तो डायरेक्शंस मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना फेस वॉश करना है और आपको उसको क्लीन कर लेना है। देन जनरली जैसे भी आप अपने फेस शीट मास्क को लगाते हैं वैसे अपने फेस पर लगा लीजिए और रिलैक्स कीजिए 10 to 20 minutes, 10 से 20 minutes आपको रखना है अपने फेस पर। देन आप उसको रिमूव कर लीजिए, और नॉर्मली आपको रिमूव करना है। उसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है, किसी वाइप से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली उसको आपको ड्राई होने देना है। और आपको जो फेस वॉश करना है वो एक नॉर्मल वाटर से करना है, और इसमें लिखा हुआ है डू नॉट वॉश द फेस अगेन, मतलब यूज़ करने के बाद वापस आपको फेस वॉश नहीं करना है। प्लस आपको और आप इसको वीक में केवल एक टाइम ही यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे फेस शीट मास्क ऐसे होते हैं कि वीक्स में आप दो बार यूज़ कर सकते हो, बट इसे आप सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हो। इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको वाटर, ग्रीसलीन और कॉफ़ी, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है चारकोल, क्योंकि ये चारकोल का है, और ये विटामिन्स भी है इसमें, फ्रूट्स भी है इसमें, और 25 ml प्रोडक्ट मिलता है आपको। इसका पूरा एड्रेस आपको दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखा है, तो ईमेल आईडी मैं आपको नीचे दे दूंगी। इनकी वेबसाइट भी है, इनका टोल फ्री नंबर भी है, और प्राइसिंग वगैरह दे रखी है। नो एनिमल टेस्ट, तो ये एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया है, और ये सिंपली एक चारकोल प्रीमियम फेशियल शीट मास्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। वॉश कर लिया है मैंने, और फेस वॉश के लिए मैंने यूज़ किया था ब्लॉसम गोचर का अरोमा मैजिक का एंटी एथनिक स्किन वाला जो नीम का फेस वॉश है वो मैंने यूज़ किया था। और आप देख सकते हो नो मेकअप मेरी स्किन, काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर के बाद इतनी अच्छी स्किन हुई है, अदरवाइज़ ये चीज़ अभी भी नहीं गई है। और साइमा के रिकमेंडेशन पे जो वो उन्होंने एक चैलेंज लिया है रिसेंटली ही आइज़ वाला, वो मैं कर रही हूँ। 2 दिन में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, सो आप अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो अच्छा है, मैंने इसे ओपन कर लिया है। देन मैं अपना शीट मास्क निकाल रही हूँ बाहर, और ये वाला फेस शीट मास्क में आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है, तो आप चाहें तो एक जो ड्राई वाले वाइब्स आते हैं उसके अंदर उसको इसमें डीप कर सकते हैं। तो ये रहा फेस शीट इसका, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ।
बहुत सॉफ़्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा सॉफ़्ट है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सीरम भी दे रखा है। इसमें एक चीज़ और दे रखी थी कि आपको इसको सन रेज सनलाइट में नहीं निकालना है, आप इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे ही स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट्स के बाद। सो ये रिमूव कर लिया है मैंने, और यू कैन सी कि कितना ब्राइट लग रहा है मेरा फेस। अभी से मैं पहले नेचुरली ड्राई होने दूंगी, देन उसके बाद देखते हैं कि इसने मुझे क्या रिज़ल्ट दिया है। रिज़ल्ट की बात करूँ तो इसने मेरे फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर दिया है, डीप क्लीन कर दिया है, फेस में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ गई है, बट थोड़ा सा स्टिकीनेस है तो वो धीरे धीरे चली जाती हैगी। आप क्लियरली देख सकते हो बहुत अच्छे से मेरा फेस क्लीन हो गया है, और स्मूदनिंग बहुत अच्छे से आ गई है, हाइड्रेशन कितना अच्छा आ गया, और शाइनिंग आप ग्लो देख सकते हो कि पहले से कितना अच्छा ग्लो मुझे मिला है। और मुझे ये मास्क अच्छा लगा क्योंकि इसका सीरम अच्छा था, बट इसका जो शीट है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज़ कि लगाने में थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही है, कि थोड़ा सेट करने में आपको उसको टाइम लगेगा। सो इसे मैंने प्रॉपर 20 मिनट्स रखा है, और जो इसका सीरम था बच गया था रिमूव करने के बाद, उसको मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो सीरम था उसे मैंने नेक तक मसाज किया है। सो नेक पे सिर्फ मसाज की, इसलिए तक कुछ खास रिजल्ट मुझे दिख नहीं रहा है नेक पर, बट फेस पर मुझे ये लगाने में बहुत अच्छा लगा। मैं इसे कंपेयर कर सकती हूँ गार्नियर का फेस शीट मास्क जो है चारकोल वाला, उससे दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा वर्क करा मेरी स्किन पे, और इसने भी काफ़ी अच्छे से स्किन पर वर्क किया है, तो मुझे ये दोनों ही मास्क बहुत अच्छे लगे। आप इसे ले सकते हो, बाइंग लिंक, वेबसाइट, जो भी डिटेल्स वगैरह है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड।